टाटा ने इंडियन मार्केट के लिए अपनी सफारी को लॉन्च कर दी है। ऑटो एक्सपो में इसे ग्रेविटास नाम से शोकेस किया था, लेकिन टाटा ने हम लोग को सरप्राइज दिया और इसे सफारी नेम प्लेट से ही उतार दिया इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टाटा सफारी वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो बहुत डिमांडिंग वीडियो हुआ करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ टाटा सफारी 2021 वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो की, तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सफारी का प्लेटफॉर्म टोटल चेंज कर दिया गया है। पहले जहां पे ये बॉडी ऑन लैडर फ्रेम पे आती थी, अब यहां पे लैंड रोवर D8 का री इंजीनियर्ड वर्जन यूज किया गया है, जिसे टाटा कहता है ओमेगा आर्क, जो कि बेसिकली ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है। और एक जानने वाली बात यह है कि ये मोनोकॉक प्लेटफॉर्म है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि टाटा की जो सफारी अब आ रही है वो मोनोकॉक प्लेटफॉर्म के साथ आ रही है, जहां पे स्कॉर्पियो जो है वो अपने ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे आती है, जो कि है बॉडी ऑन लैडर फ्रेम। अगली जनरेशन की जो स्कॉर्पियो आएगी वो भी थार के प्लेटफॉर्म पे आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन का बॉडी ऑन लैडर फ्रेम होगा। तो ये डिफरेंस आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो टाटा सफारी है और स्कॉर्पियो है, दोनों में से किसी में भी आपको BS6 में फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। सफारी में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलता है, इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे आपको फुटस्टेप देखने को नहीं मिलती सफारी में। वहीं स्कॉर्पियो आपको रियर व्हील ड्राइव देखने को मिलती है, इस वजह से वहां पे फुटस्टेप देखने को मिल जाती है। टाटा सफारी की जो लेंथ है वो 4661 mm की है, जो हाइट है 1786 mm की, विड्थ है 1894 mm की, जो व्हील बेस है वो 2741 mm का। स्कॉर्पियो की जो लेंथ है वो 4456 mm की है, जो कि सफारी से डेफिनेटली कम है। हाइट जो है वो स्कॉर्पियो की ज्यादा है, वो है 1995 mm की, बहुत ज्यादा डिफरेंस है हाइट में, जहां पे स्कॉर्पियो बहुत ऊंची है सफारी से। विड्थ है 1820 mm की, व्हील बेस है 2680 mm का, यानी कि सफारी आपको ज्यादा चौड़ी मिलती है, ज्यादा लंबी मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियो से जो इसकी हाइट है वो कम है। बाकी व्हील बेस भी सफारी में आपको स्कॉर्पियो से ज्यादा मिलता है। सफारी में 2 लीटर्स का क्रायोटेक 4 सिलेंडर डीजल टर्बोचार्ज्ड इंजन देखने को मिलता है। 170 PS की पावर देखने को मिलती है, यदि BHP में कन्वर्ट करें तो 167 BHP की ये पावर प्रोड्यूस करता है। 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क सफारी का ये इंजन जनरेट करता है, जबकि स्कॉर्पियो में 2.2 लीटर्स का MHawk 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है। 140 BHP की पावर देखने को मिलती है, और जो टॉर्क जनरेट करता है इसका इंजन वो करता है 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। दोनों में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, दोनों आपको BS6 डीजल में ही देखने को मिलती है। ऑन पेपर हम कंपेयर करें तो आपको सफारी में ज्यादा अच्छा पावर मिलता है, ज्यादा अच्छा टॉर्क मिलता है स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में। अगर लेंथ, हाइट, विड्थ, वेट वगैरह सबको देखें तो उसके हिसाब से आपको सफारी में ज्यादा अच्छा इंजन देखने को मिलेगा, ज्यादा पावरफुल इंजन मिल रहा है, ज्यादा टॉर्की इंजन मिल रहा है, यानी कि जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो स्कॉर्पियो से सफारी में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलेगी। सफारी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जबकि स्कॉर्पियो में सिर्फ आपको प्रेजेंट डेट में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर डिजाइन और लुक्स की बात करें तो आपको हैरियर वाली सेम डिजाइन और लुक्स देखने को मिल जाती हैं सफारी में, जहां पे स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन यहां पे दिया गया है, TRL, Xenon HID प्रोजेक्टर
हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि स्कॉर्पियो में आपका नॉर्मल डिज़ाइन मिलता है जहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं बट हेलोजन के साथ। टाटा सफारी में आपको टाटा की सिग्नेचर ट्राई एरो रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलती है विद क्रोम इंसर्ट, जबकि स्कॉर्पियो में महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल मिलती है, 7D स्लॉट वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपको इन डी स्लॉट्स में आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। टेल लैम्प आपको सफारी में फुल LED वाले देखने को मिलते हैं और स्प्लिट टेल लैम्प देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव लुक के साथ आते हैं, जैसा कि आपको हैरियर में देखने को मिलता था। स्कॉर्पियो में भी आपको LED टेल लैम्प ही देखने को मिलता है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो वर्टिकल दिया गया है। सफारी में आपको 18 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जहां पे हर व्हील में डिस्क ब्रेक्स ही देखने को मिलते हैं, जबकि स्कॉर्पियो में 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं सिल्वर फिनिश में, और यहां पे आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो रूफ रेल्स है वो फंक्शनल दिए गए हैं, आप इसमें भी लोड कैरी कर सकते हो। सफारी का जो रूफ रेल प्लेसमेंट है वो मुझे थोड़ा सा नए टाइप का लगा, थोड़ा इनोवेटिव लगा, जबकि स्कॉर्पियो में आपको वही पुराने स्टाइल वाले रूफ रेल्स ही देखने को मिलते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम देखने को मिल जाता है वेरियस मोड्स के साथ में, ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है, 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर देखने को मिल जाता है, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, जबकि स्कॉर्पियो में आपको सेफ्टी फीचर्स में सिर्फ यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है, 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। सफारी में जो इंटीरियर्स में आपको मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, सीट्स में वाइट कलर का लेदर अपहोल्स्ट्री है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको स्पीडोमीटर एनालॉग देखने को मिलता है, बाकी सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलेंगी सफारी में, डैशबोर्ड में आपको सॉफ्ट टच नापा लेदर देखने को मिल जाता है, एशवुड फिनिश मिल जाती है, ऑटो डिमिंग वाला IRVM मिल जाता है, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, 9 JBL के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, IRA की कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब जो आपको कैबिन में सारी चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा प्रीमियम मिलती हैं, मॉडर्न मिलती हैं, मतलब सारी चीज़ें अगर आप देखोगे अंदर तो आपको एक बेहतरीन मॉडर्न SUV वाला फील आएगा, जबकि स्कॉर्पियो में आपको हार्ड प्लास्टिक वाले मटेरियल्स मिलेंगे, सीट्स में आपको ब्लैक कलर के लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी, ड्राइवर साइड में मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, मैनुअल डिमिंग के साथ IRVM देखने को मिलेगा, 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा और यहाँ पे IRA या कोई भी कनेक्टेड कार फीचर देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक डिसेंट सारे फीचर्स कंफर्ट यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगी। सफारी में आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, स्कॉर्पियो में आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को नहीं मिलता है। सो यही था वीडियो जहाँ पे मैंने आपसे बात करी जो डिफरेंसेस आपको टाटा सफारी 2021 और स्कॉर्पियो में देखने को मिलते हैं। अच्छे से डिफरेंसेस की बात नहीं करी बिकॉज फिजिकल मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने आपके FAQ के लिए यहाँ पे कंपैरिजन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे परमिशन मिल जाए शूट करने के लिए। तो वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़े बहुत तो सवाल के सबको जवाब मिल ही जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इस चैनल में कोई थोड़ा सा भी दम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं आपको चैनल सब्सक्राइब ही करना है, आप अपनी मर्जी से अपने छोटे भाई या अपने बड़े भाई का समझ के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड Bye-bye.